सो हेलो गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम करने वाले हैं पाइथन माई एसक्यूएल की कनेक्टिविटी से रिलेटेड हर चीज़। हमने ऑलरेडी एक एक करके वन बाय वन सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल दी हैं, लेकिन इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक कंप्लीट वन शॉट वीडियो, जिसमें आप ये देखेंगे कि कैसे आप पाइथन माई एसक्यूएल कनेक्टर को इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप पाइथन और माई एसक्यूएल से रिलेटेड क्वेरीज को परफॉर्म कर पाएँ, टास्क को परफॉर्म कर पाएँ। फिर हम ये देखेंगे डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, फिर डेटा अपडेट करना, ठीक है, फिर डेटा को डिलीट करना और साथ ही साथ डेटा को एक्सट्रैक्ट करना। मतलब ये एक वन शॉट वीडियो होने वाली है पाइथन माई एसक्यूएल कनेक्टिविटी से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ दूं कि कैसे किसी भी प्रोजेक्ट को, यानी कि आपको जैसे कि प्रोजेक्ट मिलेगा अपने स्कूल में बनाने को, तो कैसे भी आप किसी प्रोजेक्ट को बनाते हैं, तो सबसे पहले आप प्रोजेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो सबसे पहला पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रंट एंड, ठीक है, और जो दूसरा पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं बैक एंड, राइट। यानी कि फर्स्ट पार्ट जो हो गया फ्रंट एंड हो गया, और बैक एंड जो हो गया वो क्या, सेकेंड पार्ट जो हो गया वो बैक एंड हो गया। फ्रंट एंड जो होता है वो जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हो उसको हम लोग कहते हैं फ्रंट एंड, जिससे हम जीयूआई को डिजाइन करते हैं। जीयूआई मतलब हमारा जो स्क्रीन है वो डिजाइन करते हैं और अपनी कोडिंग लिखते हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जो भी आप यूज करो। हमारे केस में जो है वो क्या है, पाइथन हमारा फ्रंट एंड है, और बैक एंड में जो होता है वो हमारा डेटाबेस होता है। अब इस डेटाबेस में आप चाहे डेटाबेस के लिए कुछ भी, किसी को भी यूज कर लो। तो यहाँ पे अभी हम अपने प्रोग्रामिंग में फ्रंट एंड के रूप में हम पाइथन को यूज कर रहे हैं, और बैक एंड के रूप में हम किसको यूज कर रहे हैं, माई एसक्यूएल को यूज कर रहे हैं। तो अगर हम पाइथन देखो, बेसिकली क्या है कि प्रोग्रामिंग के जरिए जो डेटा होगा वो इस माई एसक्यूएल में आके स्टोर होगा, तो डायरेक्टली ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इनके बीच में एक होता है माई एसक्यूएल कनेक्टर, जो पाइथन को यहां से कनेक्ट यहां होता है और ये यहां से कनेक्ट यहां होता है। मतलब क्या हुआ कि इसकी बात को समझ के वो माई एसक्यूएल को समझाएगा, और माई एसक्यूएल की बात को समझ के वो पाइथन को समझाएगा। एक तरह से ब्रिज का काम करता है दोनों के बीच में। तो इसको इंस्टॉल करना MySQL कनेक्टर को, ये वन टाइम एक्टिविटी है। मतलब एक बार आपने इंस्टॉल कर लिया तो बस काम खत्म, उसके बाद बस आपको क्या कर लेना होता है, उसको यूज कर लेना होता है। बट हम इंस्टॉल कैसे करेंगे, क्या इसके प्रोसेसेस हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात, एक होता है पाथ का कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट है। टफ क्या है, मानिए तो टफ है, नहीं तो आसान है। सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मान लीजिए आपने पाइथन को इंस्टॉल किया है, तो आपको ये चेक करना पड़ता है, दो चीजें होती हैं। या तो आपका आपने पाथ बना रखा होगा, यानी कि आपने पाथ को सेट कर रखा होगा जब आपने पाइथन को डाउनलोड किया होगा, ठीक है, या पाथ को सेट नहीं कर रखा होगा। अब आपको ये थोड़ा सा असमंजस वाली स्थिति लग रही होगी, सर ये पाथ को सेट करना क्या होता है और पाथ को सेट करना नहीं, ये क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, जब आप अपने पाइथन को इंस्टॉल कर रहे होंगे, आपने जब भी किया होगा, अगर ये वाला जो बटन आपको दिख रहा है ऐड पाइथन, जो भी आपका वर्जन है, कोई भी वर्जन हो सकता है, टू पाथ, और इसको टिक लगा के तब आपने इंस्टॉलेशन को स्टार्ट किया होगा, तो आपका पाइथन का पाथ ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप माई एसक्यूएल कनेक्टर को डाउनलोड करेंगे उस समय आपको पाइथन का पाथ क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए। पहली बात, इसका मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने जब कभी भी पाइथन इंस्टॉल किया था, अगर यहां वाला इस बटन पे आपने क्लिक किया था ऐड पाइथन 3.7 और जो भी वर्जन है टू पाथ, तो आप का मतलब ऑटोमेटिकली पाथ सेट हो गया था। और जब अब अगर आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे जाएंगे, उसका मैं बताऊंगा कैसे जाते हैं, तो वहां पे आपको इस पाथ में आपका पूरा वो दिखेगा, ठीक है, कि पाइथन का पूरा जो पाथ है वो यहाँ क्या होगा, दिखेगा। ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब आप क्या करेंगे, पाइथन यहाँ जब इंस्टॉल करने से पहले इस पर टिक लगा देंगे और फिर इंस्टॉल करेंगे। तो अब हमें मान लीजिए, मुझे याद नहीं है कि भाई ठीक है मैंने इंस्टॉल तो किया था अग्री, बट मेरे को याद नहीं है कि पाइथन ये वाला टिक मैंने लगाया था या नहीं लगाया था, तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता, बस आप सीधे कहाँ जाएंगे, सीएमडी में जाएंगे और एंटर करेंगे, ठीक है। अब सीएमडी से आपका ये क्या हो गया, सीएमडी खुल गया। यहाँ पे बस आप टाइप कीजिए क्या, पाइथन PYTHON और एंटर कर दीजिए। अगर पाइथन एंटर करते ही ये पाइथन का जो कमांड प्रॉम्प्ट है, जो थ्री ग्रेटर देन साइन होते हैं, ये आ गया, इसका मतलब ये होता है कि आपने पाइथन का जब इंस्टॉल किया था आपने पाथ सेट कर दिया, मतलब आपका पाथ सेट है, सबसे अच्छी चीज है, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे आप कोई भी पाइथन का कमांड रन कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ प्रिंट हेलो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आप अपने अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोला, आपने यहाँ पे पाइथन टाइप किया, अगर ये तीन ग्रेटर देन का साइन दिख गया, इसका मतलब है आपका पाइथन का पाथ सेट है, आप आगे की कार्यवाही कर सकते हो,
कनेक्टर को जो है वो इंस्टॉल करने की कार्यवाही कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया, 1 मिनट के मान लीजिए कि आपको यहाँ कुछ एरर दिखाया, कह दिया कि इनवैलिड कमांड या वॉट एवर, तो आप क्या करोगे? तो उस केस में क्या करना होता है आपको, आपको पाइथन का पाथ सेट करना पड़ेगा। या तो पाइथन का पाथ सेट कीजिए या पाइथन को अनइंस्टॉल कीजिए, और फिर से जब इंस्टॉल कीजिएगा तो उस समय यहाँ पे क्या कर लीजिए, पाइथन 3.7 को क्या कर लीजिए, ये वाला बटन क्लिक करके तब इंस्टॉल कर लीजिए। सबसे आसान तरीका, अनइंस्टॉल कीजिए पाइथन को और जो है फिर से इस बटन पे क्लिक करके दोबारा से इंस्टॉल कर लीजिए, ये सबसे आसान तरीका। लेकिन आप अगर अनइंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं तो आपको पाथ को सेट करना पड़ेगा। पाथ को सेट करने का क्या तरीका है, उसके लिए जो हमारे पास तरीका है वो ये है कि अगर मैं आपको लेके चलूं कहां, डेस्कटॉप पे, तो ये मेरा पाथ रहा। और इस पाथ पे देखिए, ध्यान समझिएगा, हमें क्या करना है, पाथ को सेट करना है। हमें पता चल गया कि सीएमडी कमांड का हमने यूज करके यहां देख लिया कि हमारा पाथ जो सेट नहीं है, तो हम पाथ को कैसे सेट करेंगे? तो सबसे पहले हम अपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टेप बिल्कुल फॉलो कीजिएगा। स्टार्ट बटन पे क्लिक करके यहां पे टाइप करेंगे python.exe, ठीक है। देखिए पाइथन का फाइल खुल जाएगा, एक से एक इसको खोलना नहीं है, इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे कहना है क्या, ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही ये फाइल लोकेशन ओपन हो गया, इस पर क्लिक करना है यहाँ पे एड्रेस पे, और इस एड्रेस को कॉपी कर लेना है, ठीक है। इस पर राइट क्लिक कीजिए, या तो कॉपी का ऑप्शन आएगा या तो कॉपी पाथ का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। तो आपने ये पाथ को कॉपी कर लिया, ठीक है। दो काम आपने किए, सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या टाइप किया, python.exe। जैसे ही वो खुला, आपने राइट क्लिक करके उस पर किया ओपन पाथ, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपने इसके पाथ को क्या कर लिया, कॉपी। तो पाइथन का पाथ आखिर हम पता कैसे करेंगे, तो उसका एक और तरीका है। एक तो आपने तरीका जान लिया कि यहाँ पे जो है python.exe टाइप करेंगे, ठीक है, और उसमें राइट क्लिक करके हम जो है यहाँ क्या कर सकते हैं, ओपन फाइल लोकेशन, इस तरीके से ही फाइंड कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए किसी में ये काम नहीं किया तो फिर क्या करेंगे उस केस में, तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम IDLE टाइप करते हैं, क्योंकि IDLE सब में मिल जाएगा, तो ये सबसे फुल प्रूफ मेथड है। आप IDLE पे क्लिक करेंगे, और IDLE पे क्लिक करने के बाद यहाँ फाइल मेन्यू में जाके और सेव एज पे क्लिक करेंगे, राइट। जैसे ही आप सेव एज पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो ये लोकेशन खुलती है यही होता है पाथ। इसको राइट क्लिक करके यहाँ से क्या कर लेंगे, आप कॉपी कर लेंगे। तो इन दो तरीके से आप पाथ को कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जाएंगे दिस पीसी, उस पे करेंगे राइट क्लिक, फिर क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज पे, और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जाएंगे एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे, इस पे क्लिक करेंगे, और ये देखिए यहाँ पे है पाथ वेरिएबल, यूजर वेरिएबल्स के अंदर पाथ वेरिएबल, इस पे क्लिक करके यहाँ पे कर लेंगे एडिट। और यहाँ पे देखिए जैसे मेरा ऑलरेडी पाइथन का पाथ शो कर रहा है, क्योंकि मेरा पाथ सेट है, आपका शो नहीं करेगा। तो आप क्या करेंगे, आप न्यू पे क्लिक करेंगे, आपने वहां से पाथ को कॉपी किया था, यहां कर लेंगे कंट्रोल वी पेस्ट, पहला काम। फिर से एक बार और न्यू पे क्लिक करेंगे और फिर से पेस्ट कर लेंगे, और उसके बाद स्लैश दबा के स्क्रिप्ट खुद से टाइप करेंगे, जिसमें जिसका एस कैपिटल रखेंगे आप, SCRIPTS, और फिर एक बार और स्लैश दे देंगे। मतलब इतना मैंने क्या किया, एडिशनल टाइप किया, एक तो नॉर्मल पूरा पेस्ट कर दिया, दूसरा जब पेस्ट किया तो उसमें मैंने स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश टाइप करके यहां पे मैं कर दूंगा ओके, अगले सारे में ओके ओके कर दूंगा, तो मेरा पाथ सेट हो जाएगा। उसको भी फिर से चेक करना होगा, तो मैं कैसे चेक करूंगा, तो कॉमन सी बात है, मैं यहाँ फिर से सीएमडी में आऊंगा और यहाँ पे अगर मैं टाइप करूंगा पाइथन और एंटर करूंगा, तो अगर फिर से मेरे पास ये तीनों ग्रेटर देन आ गए तो मैं समझ जाऊंगा कि मैंने अपने पाथ को सेट कर लिया, यानी कि नाउ आई एम रेडी टू इंस्टॉल माई एसक्यूएल कनेक्टर। तो ये है हमारा तरीका कि अगर पाथ सेट है तो क्या करेंगे, और अगर पाथ हमारा सेट नहीं है तो उसको कैसे हम सेट करेंगे। अब हमें क्या करना है, तो हमें इंस्टॉल करना है अपने किसको, पाइथन को, राइट। सो हम यहाँ क्या करते हैं, पाइथन को नहीं एग्जैक्टली पाइथन के MySQL कनेक्टर को। तो सबसे पहले वही कंसेप्ट हम यहाँ पे करेंगे, हम यहाँ टाइप करेंगे python.exe, यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक और यहाँ पे करेंगे ओपन फाइल लोकेशन। अब इसके अंदर हमको ढूंढना है स्क्रिप्ट फोल्डर, हमारा एक फोल्डर होगा, इसका नाम क्या होगा, स्क्रिप्ट फोल्डर। देखिए यहाँ पे है हमारा कौन सा फोल्डर, स्क्रिप्ट का, इस पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने डबल क्लिक किया, हमारा स्क्रिप्ट्स का फोल्डर ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये एड्रेस सेलेक्ट हो गया, यहाँ से इस एड्रेस को कर देंगे डिलीट और यहाँ टाइप कर देंगे CMD, ताकि यहाँ पे मेरा कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मेरा कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। अब यहाँ पे आने के बाद एक चीज इंश्योर रखिएगा कि आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑन होना चाहिए। अब मैं यहाँ के लिखूंगा pip install
MySQL-connector-python, और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, एंटर, और अब मैं वेट करूंगा जब तक कि इंस्टॉलेशन नहीं हो। तो आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी के बेस पे ये क्या करेगा, आपके MySQL के कनेक्टर को इंस्टॉल करेगा। आप देख पा रहे हैं सारा कनेक्टर इंस्टॉलेशन हो रहा है, क्या हुआ देखिए, कलेक्टिंग MySQL कनेक्टर पाइथन, डाउनलोडिंग MySQL कनेक्टर पाइथन, इसने जो है वो डाउनलोड कर लिया, ठीक है, फिर से डाउनलोड किया कुछ और प्रोडक्ट को, और फाइनली सब कुछ दे दिया, और क्या लास्ट में क्या मैसेज, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड MySQL-connector-python, जो भी उसका वर्जन था, यानी कि मैंने सक्सेसफुली क्या कर लिया, पाइथन के कनेक्टर को डाउनलोड कर लिया। अब मैं यहां से कर दूंगा इसको क्या, एग्जिट, यानी कि मैं यहां से हो जाऊंगा बाहर, और मैं यहां पे एक बार रिफ्रेश कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद रिफ्रेश करना वैसे कि हालांकि जरूरी नहीं था, मेरा जो मेन काम था MySQL के कनेक्टर को डाउनलोड करना, वो मैंने कर लिया। अब मैं डेटाबेस से रिलेटेड प्रोग्रामिंग परफॉर्म कर सकता हूं। तो एक छोटा सा प्रोग्राम आपको दिखाता हूं कि कैसे आप पता करेंगे कि आपका लिटरली कनेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, आपको यहां अपना आईडीएली ओपन करना है, ठीक है, और आईडीएली जब ओपन होगा, होने दीजिए, चलिए हो गया। आपको यहां लिखना है इम्पोर्ट MySQL.connector और यहां पे करना एंटर। देखिए, जैसे ही मैंने एंटर किया, कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब ये इंपोर्ट सक्सेसफुली हो गया। अगर सपोज कीजिए मैं कुछ और इंपोर्ट करता हूँ, मान लीजिए मैं कहता हूँ इंपोर्ट आनंद, तो ये क्या देगा, एरर देगा, क्या कि मॉड्यूल नेम ऐसा है ही नहीं। बट जब मैंने ये लिखा कि इंपोर्ट MySQL.connector, तो इसने कोई एरर नहीं दिया, इसका मतलब ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गया। क्यों इंपोर्ट हो गया, क्योंकि अभी तुरंत हमने इसको इंस्टॉल किया था पीआईपी पिप कमांड से, ठीक है। अब एक छोटा सा चाहे तो हम कोड लिख के भी चेक कर सकते हैं कि हमारा कोड जो है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए फाइल मेन्यू में जाते हैं और क्या करते हैं, न्यू फाइल पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम एक कोड लिखेंगे जो कोड क्या करेगा, सिर्फ ये बताएगा कि कनेक्टिविटी हुई या नहीं हुई। तो ये कोडिंग है जो आपको ये बताएगा कि आपका जो है कनेक्शन सक्सेसफुली कनेक्टेड है या नहीं है। तो क्या लिखते हैं, देखिए, MySQL.connector हमारा क्या हो गया, पैकेज हो गया, इसको हमने इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट करते वक्त हमने इसको क्या नाम दे दिया, एज सी, सी का मतलब अब मैं MySQL.connector को जो है वो सी के नाम से क्या कर पाऊंगा, रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। अब मैं क्या करता हूँ, C.connect, यानी कि हमारे पास एक फंक्शन है कनेक्ट फंक्शन, जो फंक्शन क्या करता है, कनेक्टिविटी को परफॉर्म करता है। यूजुअली हमेशा हम होस्ट में क्या देंगे, लोकल होस्ट देंगे, मतलब हमारा सिस्टम लोकल होस्ट जो होता है वो हमारा सिस्टम होता है। यूजर इक्वल टू यूजुअली हम रूट ही देते हैं, क्योंकि हमारा जो MySQL है, अब देखिए मैं आपको MySQL ओपन करके दिखाता हूँ, MySQL, और मैंने यहाँ किया एंटर, ठीक है, मैंने किया 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ठीक है, मतलब जो मेरा पासवर्ड है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको डेटाबेस कनेक्ट करते समय बताना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जानने के लिए कि यूजर क्या है, कौन सा यूजर है, मतलब जैसे ही मैंने अपना MySQL खोला, MySQL खोलने के बाद मुझे जानना है कि यूजर कौन सा यूजर होता है यहाँ पे, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको लिखना है सेलेक्ट और यूजर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और एंटर। तो देखिए, यूजर जो है वो हमारा रूट है, और हमारा जो होस्ट है वो क्या है, एट द लोकल होस्ट है। तो इसीलिए, इसी वजह से मैंने जो दिया है यहाँ होस्ट में क्या दिया है, आपको लोकल होस्ट दिया है, और यूजर में हमने क्या दिया, आपको रूट दिया है। तो मतलब क्या हुआ कि जब हम कनेक्ट फंक्शन को यूज करते हैं तो इसको चार चीजें चाहिए होती हैं। पहली चीज चाहिए होती है होस्ट, जो हम हमेशा क्या देंगे, लोकल होस्ट देंगे। दूसरा चाहिए होता है हमें यूजर, जो हमेशा हम क्या देंगे, रूट देंगे। फिर हमें चाहिए होता है पासवर्ड, पासवर्ड के लिए PASSWD यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें अपना रियल पासवर्ड देना पड़ेगा, जिस पासवर्ड को देके हम अपने MySQL को ओपन करते हैं। तो मेरा पासवर्ड है 123, सॉरी, मेरा पासवर्ड यहाँ पे देना होगा मुझे कौन सा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और फिर एक डेटाबेस का नाम देना होगा जिस डेटाबेस से आप क्या होना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं। तो अगर मैं डेटाबेस की लिस्ट देखना चाहूं तो मैं यहां से देख सकता हूं, मुझे कैसे देखना होगा, शो डेटाबेसेस कमांड से मैं क्या करूंगा, डेटाबेसेस की लिस्ट देख लूंगा। तो कोई सा भी डेटाबेस से आप क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे स्कूल डेटाबेस से कनेक्ट होना है, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, स्कूल। तो ये जो है एक तरह से क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया चार चीजें। तो ये जो है MySQL को मैंने, MySQL.connector को मैंने C नाम से क्या किया, यहाँ पे इंपोर्ट किया, इसके अंदर के मैंने C.connect फंक्शन को यूज किया जो चार आर्ग्यूमेंट्स लेता है, होस्ट में मैंने डाला लोकल होस्ट, यूजर में मैंने डाला रूट, जो मेरा पासवर्ड था MySQL का वो पासवर्ड डाला, और डेटाबेस
जो भी आपने अपने डेटाबेस मतलब MySQL में जो भी डेटाबेस बना रखा है उसका यहाँ नाम देंगे, और इन सब का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिस ऑब्जेक्ट को हम नाम क्या दे देंगे कौन, और इसी में हमारा कनेक्शन है। अगर हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल है तो हमें चेक करना पड़ेगा सक्सेसफुल है कि नहीं है, तो हम यहाँ चेक करेंगे कि इफ कौन डॉट इज कनेक्टेड, यानी इस कौन के जरिए हम चेक करेंगे कि क्या ये कनेक्टेड है। अगर है तो हम मैसेज क्या देंगे सक्सेसफुली कनेक्टेड, यानी कि कनेक्शन क्या है सक्सेसफुल है, और अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या देंगे एल्स, और क्या दे देंगे प्रिंट सम एरर हैपेंड, सम कनेक्टिविटी इशू। आप मैसेज कुछ भी दे सकते हो कनेक्टिविटी इशू, राइट। ये आपने मैसेज क्या कर दिया शो कर दिया। अब आपको क्या करना है इस प्रोग्राम को रन करना है। तो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए सबसे पहले मैं सेव कर लेता हूँ, मान लीजिए मैं कनेक्टिविटी नाम से सेव कर लेता हूँ, कनेक्टिविटी नाम से, और एंटर कर लिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ रन करता हूँ। तो देखिए रन करने के बाद आपको मैसेज क्या दिया सक्सेसफुली कनेक्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो भी कमांड इसको दिया, मतलब आपने कहा कि मुझे लोकल होस्ट से कनेक्ट होना है, मुझे रूट से कनेक्ट होना है जिसका पासवर्ड 1 2 3 4 5 से 5 6 है, और जिसका डेटाबेस जो है वो स्कूल नाम से है, इस डेटाबेस के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ स्कूल के बदले जो है मैं कुछ और दे देता हूँ, मान लीजिए SCH दे देता हूँ। तो देखिए डेटाबेसेस की लिस्ट में मेरे पास SCH नहीं है ना, कहीं नहीं है डेटाबेस की लिस्ट में बस SCH कहीं नहीं है। अब मैं अगर इसको सेव करके, ठीक है अब यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके इसको सेव कर लेता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो अब देखिए क्या मैसेज देगा, कुछ कुछ एरर आया। व्हाट एरर, क्यों? क्योंकि उस नाम से डेटाबेस मौजूद ही नहीं है। देखिए लास्ट में पढ़िए क्या लिखा हुआ है, अननोन डेटाबेस SCH, मतलब डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम आया है, वो प्रॉब्लम इसने क्या कर दिया शो कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो कोड है वो कोड क्या करेगा, हमें ये चेक करके, ये वाला कोड जो है हमें चेक करके बता देगा अगर कनेक्टेड है तो अच्छी बात है, जैसे ही कनेक्टेड नहीं होगा तो ये क्या कर देगा बता देगा कि जो एरर है वो एरर को शो कर देगा। तो ये है हमारा एक छोटा सा कोड, बेसिकली इसमें एल्स का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। एल्स का जरूरत इसलिए नहीं होता है क्योंकि ऑटोमेटिकली जैसे ही ये कनेक्टेड नहीं होगा ये एक एरर शो कर देता है, एरर थ्रो करता है। एरर का मतलब कुछ एक्सेप्शन, मतलब इसको वो कुछ कुछ ऐसी चीजें जो इसको मिली नहीं जिसकी वजह से इसने क्या किया एक्सेप्शन थ्रो कर दिया। तो बस इस दो लाइन से आप पता लगा लोगे, अगर सक्सेसफुली कनेक्टेड है तो मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली कनेक्टेड, अगर नहीं है तो बहुत सारे एरर्स क्या हो जाएंगे शो हो जाएंगे। तो ये था एक सारा कुछ जिसके जरिए आप अपने MySQL कनेक्टर को इंस्टॉल कर सकते हो, और ये रहा एक छोटा सा कोड जिसके माध्यम से आप चेक कर सकते हो कि आपका कनेक्शन प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ। हालांकि एक लाइन में बस यहां पे आप चाहते तो यहां से ये चेक कर सकते थे, यहां से एक ही लाइन में बस आप चेक कर लेते क्या, यहां पे आप आते और सपोज कीजिए मैं इसको बंद करता हूं, हालांकि मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो कि कैसे चेक करते हैं, तो यहाँ आइडियली था अगर हम यहाँ इंपोर्ट करते थे MySQL.connector, और अगर ये प्रॉपरली कनेक्ट मतलब इंपोर्ट हो जा रहा है बिना एरर के, मतलब हमारा MySQL कनेक्टर क्या हो गया था इंस्टॉल हो गया था, इतना से भी हमारा पता चल जाता। सो हमने ये देख लिया कि हम कैसे MySQL और पाइथन की कनेक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, और अब हमारा जो नेक्स्ट है वर्जन वो ये है कि हम ये देखेंगे कि कैसे हम किसी एक टेबल पे जो हमारा MySQL का टेबल है उसमें हम डेटा को फीड करेंगे, मतलब डेटा डालेंगे थ्रू पाइथन कोड। अब हमारा मेन टॉपिक आता है कि हमें जो है अगर इंसर्ट करना है किसी चीज को एक टेबल, मतलब डेटा में डेटा को इंसर्ट करना है किसमें टेबल में, तो अगर हमें, अब खुद देखिए अगर हमें टेबल में डेटा को इंसर्ट करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है हमारे पास सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए एक ऑलरेडी डेटाबेस होना चाहिए, ठीक है, एक डेटाबेस बना हुआ होना चाहिए और उस डेटाबेस के अंदर एक टेबल बना हुआ होना चाहिए। ये आप पहले से बना के रखेंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो उसका स्टेप बड़ा सिंपल सा स्टेप है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे अपना MySQL को ओपन कर लेंगे, ओपन MySQL। MySQL ओपन करने के बाद आपके पास दूसरा काम क्या होगा, अगर आपने डेटाबेस बना रखा है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं बना रखा है तो आपको ये क्या करना पड़ेगा डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो यही मैं लिख रहा हूँ, या तो क्रिएट कीजिए या तो क्या कीजिए ओपन कीजिए किस चीज को डेटाबेस को, ठीक है। अब उसके बाद क्या कीजिए, अगर टेबल आपने बना रखा है तो वेल एंड गुड, आप नहीं बना रखे हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको क्रिएट करना पड़ेगा किसको टेबल को, ठीक है। अब जब आपके पास डेटाबेस भी है और उस डेटाबेस के बाद आपके पास टेबल भी है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ मान लीजिए मेरे पास EMP टेबल है, तो अब इस EMP टेबल के होने के बाद जैसे मान लीजिए EMP का कोड है, ठीक है, EMP का नेम है और EMP की सैलरी, ये तीन चीज मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब आप इस टेबल में क्या कर सकते हैं वैल्यूज को यानी कि रोज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो मतलब आप अगर इंसर्ट करने जा रहे हैं तो इतनी चीजें तो होनी ही होनी चाहिए। बहुत जगह मैंने देखा है कि डेटाबेस बनाने के लिए भी जो है
लोग जो है वो पाइथन को ही यूज करते हैं, बट ऐसा आप नहीं कीजिए, क्योंकि डेटाबेस बनाना वन टाइम एक्टिविटी होती है। तो ये वन टाइम एक्टिविटी आप एसक्यूएल में जाके क्या कर लीजिए, परफॉर्म कर लीजिए। अभी के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो अभी हमारे पास माई एसक्यूएल जो है, अगर मैं ओपन करता हूँ, मान लीजिए मैं अपना अपना माई एसक्यूएल ओपन करता हूँ, पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये मेरा पासवर्ड है। आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑल ऑब्वियस सी बात है, मुझे जो है कनेक्शन अभी आपको दिखाऊंगा करके, तो मुझे पासवर्ड तो बताना ही पड़ेगा। अब जैसे यहाँ देखिए, मैं कहता हूँ क्या, शो डेटाबेसेस, SHO शो DATABASES, राइट, शो डेटाबेसेस करके मैंने एंटर किया। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे डेटाबेसेस बना रखे हैं, अगर मैं चाहूँ तो इसमें से किसी एक डेटाबेस के अंदर जा सकता हूँ, लेकिन चूंकि मुझे आपको पढ़ाना है तो मैं आपको एकदम कंफर्मली वन बाई वन बता रहा हूँ। मैं यहाँ क्या करूँगा, करूँगा क्या, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं दे देता हूँ आनंद नाम दे देता हूँ, अपना ही नाम दे देता हूँ, ठीक है, डेटाबेस बन गया। अब इसके अंदर मैं इसके अंदर जाऊँगा कैसे, यूज डेटाबेस नेम, तो यूज आनंद करके एंटर करूँगा, डेटाबेस किसके अंदर आ गया, आनंद के अंदर, मतलब अब मेरा डेटाबेस आनंद है, उसके अंदर मैं आ चुका हूँ। इसके अंदर मुझे क्या करना होगा, तो मुझे इसके अंदर एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं जब मैं करूंगा क्या, शो टेबल्स, सपोज कीजिए मैं क्या करता हूँ, शो टेबल्स करके एंटर करता हूँ, तो क्या देता है, एम्प्टी सेट। इसका मतलब क्या हुआ, एम्प्टी सेट का मतलब ये हुआ कि इसके अभी कोई टेबल है ही नहीं इस डेटाबेस के अंदर, तो हम एक टेबल बना लेते हैं। चलिए मान लीजिए मैं बनाता हूँ क्रिएट टेबल, और EMP यानी EMP नाम से मैं एक टेबल बना लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एम्प्लॉय का कोड देता हूँ, इसका टाइप दे देता हूँ, मान लीजिए इंटीजर INTEZER, या इसको बना देता हूँ प्राइमरी की, ये मेरी मर्जी है, टेबल बनाना आपकी मर्जी है। फिर मैं देता हूँ नेम, और इसको देता हूँ वैरकैर VARCHAR, और मान लीजिए मैं इसको देता हूँ साइज 50, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं देता, मैं सैलरी देता हूँ SALARY, और इसको भी मैं देता हूँ क्या, इंटीजर INTEZER, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद करके मैंने किया एंटर, तो ये टेबल बन गया, राइट। अब आप जब करेंगे शो टेबल्स SHOW टेबल्स TABLES, ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, EMP टेबल है, और इसका अगर आपको डिस्क्रिप्शन देखना हो तो DSCEMP। अब आपको बस ध्यान में ये रखना है कि सबसे पहला फील्ड कोड है जो इंटीजर टाइप का है, दूसरा नेम है जो वैरकर टाइप का है, तीसरा सैलरी है जो इंटीजर टाइप का है। तो अब जब कोड आप लिखेंगे, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा फील्ड की, क्यों, क्योंकि वन बाई वन इन्हीं फील्ड में आप क्या करेंगे, वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। अब अगर हम वापस चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे, इतना काम हमने कर लिया, क्या क्या काम कर लिया हमने, तो हमने डेटाबेस बना लिया, हमने उसके बाद क्या कर लिया, टेबल बना लिया, और टेबल का स्ट्रक्चर ये रहा जो हमने अभी तुरंत बनाया, ठीक है। अब इसमें मुझे वैल्यूज डालने हैं, और वो इन वैल्यूज को डालने के लिए मैं कोड कहाँ लिखूंगा, पाइथन में लिखूंगा, ठीक है। तो कोड क्या लिखूंगा मैं उसके लिए, देखिए ये है इम्पोर्ट, ये है इम्पोर्ट MySQL.connector@C, ठीक है, ये मैंने कनेक्टर को MySQL.connector को क्या कर लिया, इम्पोर्ट कर लिया। फिर मैं लिखता हूँ C.connect, मेरा क्या होगा, होस्ट क्या होगा, लोकल होस्ट, यूजर अभी भी रूट है, पासवर्ड अभी भी 1 2 3 4 5 6 ही है जो मेरा माई एसक्यूएल का पासवर्ड है। और अब मैं डेटाबेस में स्कूल नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने अभी डेटाबेस आनंद नाम से बनाया ना, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ANAND, जिस भी डेटाबेस से आपको कनेक्ट होना होता है उस डेटाबेस का आप नाम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कर्सर टाइप का एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, एक कर्सर चाहिए होता है। कर्सर क्या होता है, तो कर्सर ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी तरह के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी कि एसक्यूएल के जितने भी स्टेटमेंट होंगे, ठीक है, उनको जो एग्जीक्यूट करना होगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम जिसको यूज करेंगे वो क्या होता है, कर्सर होता है। इसीलिए हमें कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट से बनता है। तो हम क्या लिखते हैं, कॉन डॉट कर्सर, इससे हमारा एक कर्सर बना, और इसका नाम हम ऑब्जेक्ट कर दे देते हैं, क्या, कर्सर ही नाम इसको हम दे देते हैं। अब इस कर्सर नाम से क्या कर पाएंगे, हम किसी भी तरह की क्वेरी को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर मुझे इंसर्ट करना होता है तो मुझे कौन सी क्वेरी लिखनी पड़ेगी, इंसर्ट इनटू की क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो देखिए अब मुझे क्या करना है, अब जैसे मान लीजिए मैंने तीन चीज दिया है, नेम, डेजिग्नेशन और सैलरी, मैंने यहाँ कोड लिया ही नहीं, अभी जो मैंने बनाया है वो अलग था, ये पहले का बना हुआ है। तो अगर आप चाहें तो इस तीनों में, देखिए आपको इतना तो पता ही है, जैसे मान लीजिए नेम ही रहता, डेजिग्नेशन ही रहता, सैलरी ही रहता, तो तीनों चीजें हमने पूछ ली, तीनों चीजों को पूछने के बाद आपका क्या हो जाएगा, इंसर्ट इनटू EMP, ठीक है। अब EMP में कहाँ का इंसर्ट करना है, तो कोड इंसर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ कोड पूछना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कोड डालना पड़ेगा, कोड इक्वल टू इंट इनपुट इंटर कोड यहाँ डालना पड़ेगा, ठीक है, एंटर एम्प्लॉय कोड, तो इंटीजर फॉर्मेट में, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें,
कोड पूछ लिया, नेम पूछ लिया, डेजिग्नेशन नहीं पूछना उसको हटा देंगे, ठीक है, यहाँ से ये हट जाएगा। उसके बाद वैसे ही हम यहाँ कहेंगे क्या, क्वेरी क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा ये क्वेरी ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि इंसर्ट इनटू ईएमपी कोड में डालना है, नेम में डालना है और सैलरी में डालना है, तो ये डेजिग्नेशन हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। वैल्यूज, फर्स्ट वैल्यू जो है वो कोड है, इंटीजर टाइप की है। सेकेंड वैल्यू नेम है, जो नेम है ना वो किस टाइप का है, वैरकर टाइप का, इसीलिए देखिए यहाँ पे सिंगल कोट्स लगा रखा है ना। थर्ड वैल्यू क्या है, सैलरी, ये भी इंटीजर टाइप की है, तो यहाँ से ये हट जाएगा क्योंकि इसके लिए अभी हमने तुरंत इसको हटा दिया। क्या हटाया हमने, यहाँ से डेजिग्नेशन हटाया, तो डेजिग्नेशन हटा दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जब तीनों चीजें डाल दी तो डॉट फॉर्मैट, डॉट फॉर्मैट क्या होता है, फर्स्ट वाले के लिए क्या वैल्यू भेजना है आपको, सेकेंड वाले के लिए क्या भेजना है और थर्ड वाले के लिए क्या भेजना है, वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। तो फर्स्ट वाले के लिए मैं कोड वेरिएबल को भेज दूंगा, सेकेंड वाले के लिए मैं नेम वाले वेरिएबल को भेज दूंगा, थर्ड वाले के लिए मैं सैलरी वाले को भेज दूंगा। तो फिर यहाँ पे डेजिग्नेशन क्या काम है, कोई काम है नहीं है, तो डेजिग्नेशन तो हटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद अब ये क्वेरी जो मैंने लिखा है वो एक स्ट्रिंग है, ध्यान रखिएगा, क्वेरी जो मैंने लिखा वो क्या है, स्ट्रिंग है। मैं क्या कहता हूँ, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, देखिए आ गया ना कर्सर का काम, मैंने बताया था ना कर्सर के जरिए ही हम क्या करते हैं, क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और क्वेरी, और जो क्वेरी एग्जीक्यूट जैसे ही ये हो जाएगी, ये वैल्यू, ये वाली स्टेटमेंट, यानी जिस क्वेरी में जो भी कुछ था वो एग्जीक्यूट होगा, क्या एग्जीक्यूट होगा, इंसर्ट इनटू कमांड, और इंसर्ट इनटू कमांड क्या करता है, डेटाबेस में डेटा को डाल देता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, डेटा को डाल देगा। और उसके बाद कॉन डॉट कमिट, कमिट किस लिए यूज करते हैं, ताकि डेटाबेस में जो भी आपने किया, इंसर्शन का काम, अपडेशन का काम, वो परमानेंटली सेव हो जाए। अब क्या है, ये चॉइस इक्वल टू की आपको जरूरत नहीं है, यहाँ से इसको हटा दीजिए। क्यों, अभी अब देखिए, और एक मैसेज आपने दे दिया, प्रिंट डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ये एक छोटा सा प्रोग्राम हो गया। अब इसी चीज को अगर हम प्रैक्टिकली करेंगे, तो चलिए मैं पाइथन का आईडीएली ओपन करता हूं। तो ये रहा हमारा पाइथन का आईडीएली, ठीक है। अब इसमें ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम टाइप के रखा हुआ है ताकि ज्यादा टाइम नहीं लगे। तो कनेक्टिविटी इंसर्टिंग डेटा इस नाम से देखिए ये है, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए इंसर्ट, ये क्या करेगा, इंसर्ट करेगा डेटा को किसमें, हमारे टेबल में। तो पहला लाइन क्या हो गया, इंपोर्ट MySQL कनेक्टर एज सी, सी डॉट कनेक्ट, लोकल होस्ट से कनेक्ट हो रहे हैं, होस्ट का नाम लोकल होस्ट है, यूजर का नाम रूट है, पासवर्ड हमारा 123456 है जो हमारे MySQL का पासवर्ड है, और डेटाबेस का नाम, अभी हमने जो डेटाबेस बनाया वो किस नाम से बनाया था, आनंद नाम से बनाया था, तो मैंने यहाँ क्या डाल दिया, आनंद डाल दिया, ठीक है। कर्सर का ऑब्जेक्ट हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम क्या कर सके, वैल्यूज जो है, मतलब कर्सर बनाने का मेरा रीजन ही सिर्फ इतना होता है कि जो भी क्वेरी है हमारी वो हम एग्जीक्यूट कर सके। एक मिनट के लिए मैं इन सारी चीजों को आपको हटा देता हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। तो आपको पता है, अगर आप अपना ये ओपन करते हैं MySQL, तो आपको पता है कि आपने सबसे पहला फील्ड कोड बनाया है, फिर नेम और सैलरी, ये तीन फील्ड बनाई है, तो आपको कोड के लिए वैल्यू पूछना पड़ेगा। तो आप लीजिए कोड इक्वल टू इंट इनपुट, और फिर यहाँ क्या देंगे, एंटर कोड, ठीक है, यानी कि आपने कहा कि कोड दीजिए। उसके बाद क्या देंगे, दूसरा क्या है, नेम है, तो क्या करेंगे आप, नेम इक्वल टू इनपुट एंटर नेम, ठीक है। अब क्या होगा, जब यूजर ये देखेगा तो नेम दे देगा, और फिर सैलरी है SALARY, तो सैलरी इक्वल टू क्या करेंगे आप, इंट एंड देन ब्रैकेट में इनपुट एंटर क्या, सैलरी, एंटर सैलरी, ठीक है। अब ये तीनों चीजें मेरे पास आ गई, अब मुझे क्या करना है, इन तीनों चीजों को हमें अपने टेबल में इंसर्ट करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, क्वेरी नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, स्ट्रिंग वेरिएबल, जरूरी नहीं कि क्वेरी नाम का ही आप बनाएं, आप किसी भी नाम का बना सकते हैं। तो क्वेरी इक्वल टू हम यहाँ क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है मेरा, ईएमपी। अब यहाँ के लिखेंगे हम वैल्यूज, देखिए अगर मुझे वन बाई वन सबके लिए देना है तो मैं सीधे यहाँ वैल्यूज लिखूंगा। अब वैल्यूज के बाद क्या लिखेंगे हम, तो वैल्यूज के बाद हम यहाँ ब्रैकेट देंगे, और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज हमें पास करनी है, तो सबसे पहली वैल्यू जो हमें पास करनी है वो कोड के लिए करनी है, ठीक है। तो जब कोड के लिए वैल्यू पास करनी है, तो मैं यहाँ कोड के लिए दूंगा क्या, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू, फिर उसके बाद नेम के लिए देनी है, तो नेम की वैल्यू सिंगल कोट्स में देनी होगी, तो सिंगल कोट्स, देन ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैसेस, फिर कॉमा। उसके बाद सैलरी के लिए देनी है, तो हमें इसको सिंगल कोट्स में नहीं देना है, ये हो गया बंद, ठीक है। और यहाँ पे जब ये बंद होता है, तो यहाँ पे हम सिंगल कोट्स को क्या करते हैं, क्लोज कर, जब सॉरी डबल कोट्स को, जो ये हमारा डबल कोट्स है ना, उसको यहीं पे हम क्लोज कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी क्वेरी जो होती है वो यहाँ से यहाँ तक ही खत्म हो जाती है। अब लेकिन बात अभी बाकी है, वो ये है कि यहाँ के लिए हमें वैल्यू को पास करना है, तो हम यहाँ कहते हैं डॉट वैल्यूज, और यहाँ पे हमको जो भी वैल्यू देनी है, तो फर्स्ट के लिए क्या वैल्यू देनी है,
तो ऑब्वियस सी बात है जो फर्स्ट वैल्यू हम देना चाहते हैं वो देना चाहते हैं कौन सा, कोड का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कोड लिखेंगे, फिर क्या देना चाहते हैं, नेम देना चाहते हैं, और दूसरे उसके बाद क्या देना चाहते हैं, सैलरी देना चाहते हैं। ये हो गया मेरा तीनों। अब जब हमारा ये क्वेरी हो गया तो हम करेंगे कॉन डॉट एग्जीक्यूट, यानी कि हम कनेक्शन के जरिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और किस चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और जब एग्जीक्यूट हो गया तो हम क्या करते हैं, कॉन डॉट कमिट, ठीक है। इससे क्या हो गया, जो भी डेटा आपने इंसर्ट किया वो कमिट हो जाएगा। और अगर एक मैसेज आप चाहते हैं तो आप यहाँ प्रिंट कर लीजिए, क्योंकि डेटा तो चला जाएगा डेटाबेस में। तो जब डेटा डेटाबेस में चला गया तो आपको तो कोई मैसेज मिलेगा ही नहीं ना, तो आप एक मैसेज दे सकते हैं क्या, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, SUCCESSFULLY, ठीक है। ये आप अपने रेफरेंस के लिए दे रहे हैं मैसेज कि हाँ मैंने जो काम किया वो परफेक्ट हो गया। मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रन करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या किया, कोड पूछा, मान लीजिए मैं कोड में देता हूँ 101, नेम पूछा, नेम में मान लीजिए मैं देता हूँ अनूप, ठीक है। सैलरी पूछा, सैलरी में मान लीजिए मैं देता हूँ क्या 5000 या 50000, एंटर करता हूँ। देखिए अब यहाँ पे एक एरर आ गया, वो क्या आ गया, str ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट वैल्यूज, str ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यूज नाम का एट्रीब्यूट है ही नहीं। चलिए देखते हैं क्या गड़बड़ी की हमने, कहाँ पे कुछ क्या प्रॉब्लम कर दिया, कुछ कोड लिखने में हमसे कुछ गड़बड़ी हो गई है। और वो गलती ये हुई है कि मैंने गलती से यहाँ वैल्यूज लिख दिया, ठीक है। वो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई वैल्यूज जो ये होता है वो मैंने यहाँ रिपीट कर दिया, डॉट वैल्यूज नहीं होता ये क्या होता है, डॉट फॉर्मेट FORMAT होता है, ठीक है। अब इसको मैंने सेव कर लिया, और अब मैं जब फिर से इसको रन करता हूँ और कहता हूँ एम्प्लॉई कोड, फिर से मैं देता हूँ 101, नेम देता हूँ अनूप, ठीक है, और सैलरी देता हूँ सपोज कीजिए 50000, और एंटर करता हूँ। अभी भी एक प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई, MySQL कनेक्शन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एग्जीक्यूट। तो वो क्या गलती है, देखिए वो है यहां पे कॉन डॉट एग्जीक्यूट नहीं होगा, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, CURSOR डॉट एग्जीक्यूट होगा, राइट। चलिए इस फाइल को सेव करते हैं और रन करते हैं फिर से, ठीक है। यहां पे मैं देता हूं 101, ठीक है, नेम में देता हूँ अनूप, और सैलरी में देता हूँ क्या 50000, और एंटर करता हूँ। देखिए मैसेज क्या आ गया, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं जाके अब मैं अगर कोई कमांड एक एग्जीक्यूट करता हूँ, मान लीजिए मैं सेलेक्ट वाला कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय EMP, जैसे मैं एंटर करूंगा देखिए जो डेटा मैंने वहां दिया था वो डेटा यहाँ पे आ गया है, ठीक है। सो अब क्या करना होगा हमें, फिर से अगर मुझे फिर से एग्जीक्यूट करना है तो फिर से मैं रन मेन्यू में जाऊंगा और रन मॉड्यूल पे क्लिक करूंगा। फिर से देखिए, फिर से मुझसे कोड पूछता है, मैं यहाँ देता हूँ 102, नेम में मान लीजिए मैं अमित देता हूँ, ठीक है, सैलरी में मान लीजिए मैं 45000 देता हूँ, और एंटर करता हूँ। फिर से मैसेज मुझे दे दिया, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। यहाँ पे आके फिर से जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉई, देखिए दूसरा डेटा भी क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। तो ये क्या है कि जब जब मुझे इंसर्ट करना है, मतलब जब जब मुझे इंसर्ट करना है, मुझे बार बार ये क्या करना पड़ रहा है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि एक बार मेरा प्रोग्राम रन हो, और एक बार रन होने के बाद ही सीधे क्या करे, मेरे काम को ये क्या कर दे, परफॉर्म कर दे। मतलब बार बार रन होते रहे जब तक मैं ये ना कहूँ कि बाहर निकलो। यानी कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ जो इंसर्शन की एक्टिविटी बार बार करती रहे, जब तक मैं ये ना बोलूँ कि भैया अब मुझे इंसर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, बस हम एक वाइल लूप लगा देते हैं, वाइल, और क्या कर देंगे, ट्रू। तो ट्रू बाकी इन सारे कोड को जो है मैं इस वाइल का ही क्या कर दूंगा, पार्ट बना दूंगा। तो देखिए मैं बैक स्पेस दबा दबा के सबको जो है इसके इंडेंटेशन में लेके जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये सारे स्टेटमेंट जो है वो किसके पार्ट बन जाए, हमारे वाइल के पार्ट बन जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, बार बार ये एग्जीक्यूट होगा। तो अब देखिए जब मैंने लिखा वाइल ट्रू, इसका मतलब ये तो हमेशा एग्जीक्यूट होते ही रहेगा, तो कैसे इसको ब्रेक करना पड़ेगा ना। तो ब्रेक करने के लिए यहाँ तक तरीका लगा देंगे, क्या करेंगे, प्रिंट क्या वन फॉर व्हाट एंटर मोर, ठीक है, सॉरी एंटर क्या हो गया, एंटर, और यहाँ होगा मोर, यानी कि एक दबाइए अगर आप और एंटर करना चाहते हैं, \n टू फॉर एग्जिट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यूजर अपना \n एंटर योर चॉइस, एंटर चॉइस, राइट। अब जो भी यूजर देगा इसको तो हमें इंट प्रिंट में नहीं लेना है, हमें इंट इनपुट में लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा इंट और क्या इनपुट, ठीक है, और यहाँ पे इसको कर लूंगा मैं बंद। अब चॉइस में जो भी यूजर देगा उसको मान लो मैं x में डाल लेता हूँ, x इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं चेक कर लूंगा कि अगर x की वैल्यू 2 है तो 2 कब देगा यूजर, जब उसे क्या करना होगा, एग्जिट करना होगा, यानी कि वो अब इंट्री नहीं करना चाहता है। तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, ब्रेक स्टेटमेंट लगा दूंगा,
बस इससे क्या होगा, इतना से क्या हुआ, तो इतना से अब ये क्वेरी मतलब ये लूप जो है वो बार बार चलेगा, हर बार कोड नेम सैलरी पूछेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा, आपसे पूछेगा आप और एंट्री करना चाहते हो तो एक दबाओ, अगर आप एग्जिट करना चाहते हो तो दो दबाओ, तो जैसे ही आप दो दबाओगे ब्रेक कर देगा, अगर दो नहीं दबाओगे तो लूप ब्रेक नहीं होगा, फिर से दोबारा लूप चलेगा, और जब दोबारा लूप चलेगा तो फिर से आपसे वही कोड नेम सैलरी पूछेगा, और ये एक प्रोसेस होगा जो लगातार आपसे पूछते रहेगा जब तक आप दो नहीं दबाते हो तब तक। चलिए फाइल मेन्यू में जाते हैं, इसको सेव करते हैं, रन मेन्यू में जाते हैं और रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। एंटर कोड, जैसे मान लीजिए मैंने 103 देता हूँ, नेम में मान लीजिए मैं कुछ भी दे देता हूँ, जैसे रवि दे देता हूँ, ठीक है। सैलरी में मान लीजिए मैं 60,000 दे देता हूँ, और मैं करता हूँ एंटर। जैसे ही एंटर किया, मैसेज दे दिया, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, पूछता है वन दबाइए अगर और डेटा को एंट्री करना है, दो दबाइए अगर एग्जिट करना है, चॉइस दीजिए। मैं कहता हूँ नहीं मुझे और एंट्री करना है, मैंने कहा वन। अब मान लीजिए मैं देता हूँ क्या, 104, मैं मान लीजिए श्याम देता हूँ, SHYAM, ठीक है। और सैलरी में मान लीजिए 60,000, 65,000 दे देता हूँ, ठीक है। पूछता है फिर से एक दबाइए अगर और एंट्री करनी है, दो दबाइए एग्जिट करनी है, तो मान लीजिए मैं कहता हूँ नहीं मुझे अब एग्जिट एंट्री मतलब और एंट्री नहीं करनी, मुझे एग्जिट करना है, तो मैं यहाँ करता हूँ एंटर। जैसे ही मैंने दो दबा के एंटर किया, एग्जिट हो गया, क्योंकि दोबारा उसने पूछा नहीं मुझसे। चलते हैं वेरीफाई करते अपने MySQL में कि सच में डेटा आया या नहीं आया, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, देखिए तो दो रिकॉर्ड्स पहले से थे ना, ये 101 और 102, अभी कौन से आ गया, 103 और 104, जो हमने अभी तुरंत डेला डाटा, ठीक है। तो अभी जो तुरंत हमने डाला वो आ गया, इसका मतलब क्या है, ये अब एक ऐसा प्रोग्राम हो गया, ये सारा प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम हो गया है जो प्रोग्राम बार बार यूजर से पूछेगा कि डेटा एंट्री आपको करनी है, वो कहेगा हाँ, जब तक वो करते रहेगा तब तक डेटा की एंट्री होते रहेगी। तो ये था सब कुछ एक इंसर्शन के बारे में, अगर आप पाइथन से डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं कहाँ पे, अपने MySQL के टेबल में। ओके, सो अभी तक हमने ये देख लिया कि कैसे हम पाइथन MySQL कनेक्टिविटी करते हैं, और दूसरा हमने ये देख लिया कि कैसे हम उसमें रिकॉर्ड्स की एंट्री करते हैं, मतलब अपने टेबल में डेटा डालते हैं। अब हम करने वाले हैं कि कैसे, अगर कोई रिकॉर्ड है हमारे टेबल में तो उसे हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। यानी कि अब हम देखने वाले हैं अपडेशन का तरीका, कि अगर हम पाइथन कोड के जरिए MySQL में रखे हुए डेटा को क्या करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। तो डेटा को अपडेट करने की बात आती है, तो ये रहा हमारा डेटा को अपडेट करने का कोड, जिसमें बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे क्या करते हैं हम, देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा डेटाबेस कौन सा है, तो हमारा डेटाबेस का नाम हमें पता होना चाहिए कि भैया आप किस डेटाबेस के बारे में बात कर रहे हो, किस डेटाबेस से कनेक्ट होना चाहते हो। फिर आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से टेबल में डेटा को क्या करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो। और फिर पता होना चाहिए आप किस कॉलम को अपडेट करना चाहते हो, और फिर लास्ट में पता होना चाहिए कि किस वैल्यू से, यानी कि कौन सी ऐसी न्यू वैल्यू है जिस नई वैल्यू से आप क्या करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, ठीक है। तो इन सब चीजों को जानने के लिए सबसे पहले हमें अपना MySQL खोलना पड़ेगा। मैं आपको दिखा दूंगा कैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ अपनी फंक्शनैलिटी, ठीक। इसके पहले वाली वीडियो में अगर आपको याद हो तो हमने आनंद नाम से डेटाबेस बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम शो डेटाबेसेस करेंगे तो यानी कि हमें आनंद नाम का डेटाबेस दिखना चाहिए। तो यहाँ देखिए कहाँ है, सबसे ऊपर आनंद नाम का डेटाबेस है। अब हमें क्या करना होगा, इस डेटाबेस के अंदर जाना होगा, तो मैं यहाँ कहूंगा यूज आनंद। जैसे मैंने इंटर किया, डेटाबेस के अंदर हम आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे करना है एक काम, बस शो टेबल्स, जिससे क्या होगा टेबल्स हमें दिखा देगा, ठीक है। तो देखिए EMP टेबल है जो हमने ठीक इसके पहले वाली वीडियो में बनाया था, और यहाँ हम अगर डेटा देखना चाहते हैं तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या EMP करेंगे। जैसे एंटर करेंगे देखिए यहाँ क्या होता है, आपको पता है यहाँ दिख जाएगा स्ट्रक्चर की कोड था, नेम था और सैलरी था, राइट। अब मैं इसको करता हूँ मिनिमाइज, चलिए मिनिमाइज नहीं करता, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि मान लीजिए मैं चाहता हूँ क्या कि अपने इस कोड से यानी इस पाइथन के कोड से मैं किसी की सैलरी, जैसे किसी बंदे की सैलरी, जैसे ये 60,000 है तो 70,000 कर दूँ, तो ये ऑपरेशन का वर्क हो जाएगा। ये 50,000 है, 60,000 कर दूँ, इसका नाम चेंज करना है, नाम जो भी मुझे मर्जी हो मैं वो नाम दे दूँ, अनूप था नाम, मान लो मैं नाम को चेंज करके जो है अमर करना चाहता हूँ तो अमर कर दूँ। मतलब क्या है कि किसी भी तरह की अपडेशन की एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि क्या पता होना चाहिए आपको। सबसे पहला जो आपको पता होना चाहिए वो आपको आपका डेटाबेस का नाम पता होना चाहिए, फिर टेबल का नाम पता होना चाहिए, फिर किस कॉलम को अपडेट कर रहे हैं और किस नई वैल्यू से अपडेट कर रहे हैं ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहला लाइन, एज यूजुअल इम्पोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर एज सी, यानी कि MySQL कनेक्टर को आप क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। फिर आप लिखते हैं सी डॉट कनेक्ट, कनेक्शन करते हैं। होस्ट क्या होता है, लोकल होस्ट होता है। यूजर क्या है, रूट है।
पासवर्ड क्या है, ये मेरा MySQL का पासवर्ड है, यहाँ पे आपको अपने MySQL का पासवर्ड देना पड़ेगा, जिस पासवर्ड को देके आप MySQL को ओपन करते हैं। और डेटाबेस यहाँ पे देखिए, पहले स्कूल था लेकिन अब मैं किस में काम करना चाहता हूँ, आनंद में, तो यहाँ क्या दे दूंगा मैं, डेटाबेस का नाम क्या दे दूंगा, आनंद दे दूंगा। तो डेटाबेस का नाम भी चेंज हो सकता है अकॉर्डिंगली, आपके सिस्टम में आपने किस नाम से डेटाबेस बनाया है, मैंने किस नाम से डेटाबेस बनाया है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। अब आपको पता है कि कर्सर का यूज करके ही हम किसी भी तरह के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो कौन डॉट कर्सर से हम एक कर्सर का क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और उसके बाद देखिए, मैंने एक सिंपल सी क्वेरी यहाँ लिख दी है डबल कोट्स के अंदर कि अपडेट ईएमपी, यानी ईएमपी को अपडेट करो, सेट कर दो सैलरी को कितना 75,000 पे, जहां पे कोड कितना है 103 है। जैसे ही ये कोड आप एग्जीक्यूट करोगे, जो क्वेरी में चला गया, क्वेरी क्या है, स्ट्रिंग है ना, तो डबल कोट्स स्टार्ट हुआ, डबल कोट्स बंद हुआ, इस क्वेरी को हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और कौन डॉट क्या कमिट, क्या मैसेज आएगा, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुल, यानी कि डेटा क्या हो गया, सक्सेसफुली अपडेट हो गया। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जिसकी भी कोड 103 थी उसकी सैलरी 75,000 हो गई, ये हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो मतलब अगर हम इसकी बात करें, देखिए तो 103 रवि है, यहाँ 60,000 है इसकी सैलरी, इस कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 75,000 हो जाएगी, यानी हमारा अपडेशन का वर्क परफॉर्म हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो आइडियली अपना ओपन करते हैं हम, ये मेरा आइडियली ओपन हो गया, ठीक है। मैं फाइल मेन्यू में जाता हूँ, ओपन करता हूँ, और मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम टाइप करके रखा हुआ है जो है अपडेटिंग डेटा नाम से, राइट। सो ये है अपडेटिंग डेटा, देखिए सेम कोड है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। सबसे पहला लाइन इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर एट सी, उसके बाद आप सी डॉट कनेक्ट करते हैं, ठीक है। लोकल होस्ट, होस्ट क्या है, लोकल होस्ट याद कर लीजिए, होस्ट हमेशा लोकल होस्ट होता है, यूजर हमेशा रूट होता है, पासवर्ड आपके सिस्टम मतलब आपके MySQL का पासवर्ड होता है, और डेटाबेस जिस डेटाबेस से आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ आनंद नाम के डेटाबेस से क्या होना चाहता हूँ, कनेक्ट होना चाहता हूँ, तो आनंद नाम के डेटाबेस से कनेक्ट हो गया। कर्सर का हम ऑब्जेक्ट इसलिए बनाते हैं ताकि किसी भी क्वेरी को हम एग्जीक्यूट कर सके, और जो भी क्वेरी हमें लिखनी है यहाँ पे हम लिख देंगे, अपडेट ईएमपी सेट सैलरी इक्वल टू व्हाटएवर क्वेरी आपको लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद हम करते हैं कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और किस चीज को, क्वेरी को, और उसके बाद हम करते हैं कॉन डॉट कमिट, ताकि जो भी हमारी क्वेरी से मतलब चेंजेस हुए डेटाबेस में वो परमानेंटली सेव हो जाए, और फिर हम अपने रेफरेंस के लिए एक मैसेज दिखाते हैं, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, सेव करते हैं और F5 से क्या करते हैं, रन करते हैं। देखिए सिर्फ आपको एक मैसेज दिया, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, लेकिन हमें इसका जो फर्क है वो कहाँ दिखेगा, हमारे MySQL में। अब ये रहा हमारा MySQL, यहाँ पे देखिए अभी हमने देखा था कि 103 का जो है वो सैलरी 60,000 था ना, और अभी जो हमने चेंज किया है वो 103 का ही चेंज किया है। तो अगर इस बार हम करते हैं सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम EMP, देखिए तो जो सैलरी हमने की थी 50,000 सेट की है क्या, आई होप 50,000 ने की है, यस, सैलरी इक्वल टू व्हाट 50,000 जिसका 103 था। तो देखिए तो 103 का रवि 50,000 हो गया, जो इसके पहले क्या था 60,000 था, मतलब हमारा ये प्रोग्राम सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो इस कोड में एक कमी है, वो ये है कि यहाँ जो हम डेटा दे रहे हैं वो बिल्कुल मैन्युअली दे रहे हैं, जो हमारी मर्जी है वो दे रहे हैं। अगर हम यही यूजर से पूछना चाहते हैं तो हम यूजर से भी पूछे कर सकते हैं, चलिए करके देखते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ क्या कि कोड इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एम्प्लॉय कोड, ठीक है, यानी एक तरह से ये वो एम्प्लॉय कोड है जिसका आप क्या करना चाहते हो, जिसका डेटा आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है। फिर यहाँ कहोगे सैलरी इक्वल टू इंट इनपुट इंटर न्यू सैलरी, यानी कि नई वाली सैलरी दो, इंटर न्यू सैलरी, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ये यूजर से आपने डेटा मांगा, अब आप क्वेरी अपना क्या करोगे, इसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे, कैसे चेंज करोगे, तो अपडेट ईएमपी सेट सैलरी इक्वल टू, अब सैलरी इक्वल टू बाद ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, वेयर कोड इक्वल टू व्हाट, फिर इस कोड के लिए भी तो वैल्यू हमें देनी है ना, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और फिर यहाँ देंगे डॉट फॉर्मैट, इन दो वैल्यूज जो यहाँ पे हमने दो ब्रैकेट्स ओपन किए हैं और क्लोज किए हैं, इनके लिए हम वैल्यूज क्या देंगे, तो फर्स्ट वैल्यू जो हमारी जाएगी वो कोड जाएगी, और सेकेंड वैल्यू जो जाएगी वो हमारी क्या जाएगी, सैलरी जाएगी, SALARY। तो अब ये क्या हो गया, यूजर डिफाइंड हो गया, यूजर जिसका जिस कोड का जो सैलरी कहेगा उस कोड का उतना सैलरी आप क्या कर दोगे, अपडेट कर दोगे। फाइल मेन्यू में जाते हैं, क्या करते हैं इसको सेव करते हैं, रन मेन्यू में जाते हैं और रन मॉड्यूल पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, क्या पूछा आपसे, एम्प्लॉय कोड, मान लीजिए मैं कहता हूँ 101, ठीक है, यानी एम्प्लॉय कोड 101 की सैलरी, मान लो मैं कहता हूँ क्या कि आप इसकी सैलरी 75,000 कर दो,
और एंटर करो। मैसेज क्या दिया इसने, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। चलिए करके देखते हैं डेटा अपडेट हुआ या नहीं हुआ। अभी 101 का अभी तुरंत हमने डेटा देखा था, तो 50,000 इसकी सैलरी थी। और जैसे ही मैं यहाँ करूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो देखिए इसकी सैलरी कितनी हो गई 101 की, अभी भी 50,000 ही है, चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि हमने 75,000 दिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमने कुछ कोड में कमी की है, कुछ गड़बड़ी हुई है। तो चलिए उस पर देखते हैं क्या कमी हुई। हमने कहा सैलरी इक्वल टू दिस, वेयर कोड इक्वल टू दिस। तो अच्छा देखिए हमने यहाँ क्या किया, फर्स्ट जो है वो कोड पास कर दिया, जबकि फर्स्ट में हमें क्या पास करना था, सैलरी पास करना था, और सेकेंड में हमें क्या पास करना था, कोड को पास करना था। ये हमने गलती की थी। फाइल मेन्यू में जाते हैं, सेव करते हैं, रन मेन्यू में जाते हैं, रन मॉड्यूल पर क्लिक करते हैं, फिर से मैं वही करता हूँ 101, ठीक है। और न्यू सैलरी जो है मान लीजिए मैं कहता हूँ 75,000, और मैं करता हूँ एंटर। क्या मैसेज दिया इसने, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। इस बार चलिए फिर से चेक करते हैं कि हमने हमारा काम सही तरीके से किया या नहीं किया। तो देखिए 101 अनूप की सैलरी 75,000 हो गई, जो अभी क्या थी, 50,000 थी। तो एक छोटा सा सीक्वेंस भी आगे पीछे होता है तो एरर्स आ जाते हैं। तो ये था हमारा प्रोग्राम। अगर मैं फिर से एक बार पूरे प्रोग्राम आपको दिखा दूं, जो क्या करता है, अपडेशन की एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। आप इस तरीके से किसी भी तरह के, जरूरी नहीं कि सैलरी, नाम भी अपडेट कर सकते हैं। आप यूजर से पूछिए कि आप क्या नया नाम देना चाहते हैं। अब अगर आप एक चीज और इसमें चाहें तो इसको और अच्छा बना सकते हैं प्रोग्रामेटिकली। वो चीज ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे जो भी इम्प्लॉई कोड दिया, हो सकता है कि वो इम्प्लॉई कोड जो है वो आपके डेटाबेस में मौजूद ही ना हो। तो ये जब आप मौजूद ही नहीं होगा तो क्या सक्सेसफुल होगा इंसर्शन, नहीं होगा ना, या अपडेशन जो भी है। तो जब अपडेशन नहीं सक्सेसफुल होगा फिर भी मैसेज क्या देगा, अपडेटेड सक्सेसफुली। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि ये हमारा टेबल है, इस टेबल में हमारे पास कोड नंबर 101 से लेकर 104 तक है, लेकिन जब मैं यूजर से पूछूंगा कि कोड दो और उसने 1010 दे दिया और क्या कि सैलरी उसकी 100,000 कर दो या 10,000 कर दो, तो ये मेरा सारा काम करेगा लेकिन मैसेज दे देगा डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, जबकि डेटा तो हमारे पास मौजूद ही नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि नहीं, अगर डेटा मौजूद नहीं हो तो हमें ये मैसेज दे दे कि नहीं, ये डेटा मतलब आपने जो भी अपडेशन में काम करना चाहा वो अपडेशन सक्सेसफुल नहीं रहा, तो वो हम कर सकते हैं कैसे। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है कर्सर में, जब भी हम कुछ एग्जीक्यूट करते हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आती है। अगर रो काउंट, वो होता है रो काउंट। रो काउंट का मतलब क्या होता है कि कर्सर में कितने रोज आए, चाहे वो इंसर्ट होने पे, चाहे वो अपडेट होने पे, चाहे वो डिलीट होने पे, कर्सर में रोज आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप चेक करते हो कि अगर CURSOR.RowCount, रो काउंट करते हो और वो ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई एक रो जो था वो अपडेट हुआ था। तो मैं क्या मैसेज प्रिंट कर दूंगा कि डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, और अदरवाइज मैं क्या मैसेज प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट नो डेटा फाउंड, ठीक है, यानी कि डेटा मिला ही नहीं, ठीक है। कौन सा डेटा, जो डेटा आप सर्च कर रहे हैं वो डेटा मिला ही नहीं, ओके। तो चलिए अब इसको सेव करके रन करके एक बार देखते हैं। F5 से एम्प्लॉई कोड मैंने डाला 110, एंटर करता हूँ, सैलरी पूछा, मैंने कहा 10,000 डाल दो सैलरी। जैसे मैं एंटर करूंगा देखिए क्या मैसेज दे देता है कि नो डेटा फाउंड, यानी कि इसको डेटा मिला ही नहीं। तो जब डेटा नहीं मिला तो क्यों, क्योंकि 110, तो 110 अगर आप देखिएगा तो देखिए 110 हमारे में है ही नहीं, हमारे स्टेबल में 110 नाम का एम्प्लॉई कोड है ही नहीं। अब अगर मैं फिर से रन करता हूँ एक बार, तो दोबारा रन करूंगा, तो यहाँ पे जाता हूँ मैं रन मेन्यू में, रन मॉड्यूल पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ देता हूँ ठीक है 101, ठीक है ये एम्प्लॉई कोड देता हूँ, और सैलरी में कहता हूँ क्या कि 68,000 चेक कर दो, ठीक है। मैं एंटर करता हूँ, देखिए मैसेज क्या आ गया, डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। और इस बार जब मैं जाऊँगा और करूँगा सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय, देखिए 101 का 68,000 कर दिया। तो इस समय क्या फ़ायदा हुआ, हमको ये भी पता चल जा रहा है कि हमारा जो एम्प्लॉय कोड दिया गया था वो एम्प्लॉय कोड, यानी कि जो एक्शन परफॉर्म होना था वो हुआ या नहीं हुआ। सो हमने ये भी देख लिया आप कि हम कैसे डेटा को अपडेट करते हैं, और नेक्स्ट है कि कैसे हम डेटा को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे फ्रॉम एसक्यूएल टेबल, और वो भी कैसे, तो पाइथन के कोड के जरिए। तो ये कोड है जिसका यूज करके हम क्या करेंगे, अपने टेबल से डेटा को क्या करने वाले हैं, डिलीट करने वाले हैं। तो फिर से वही बात, आपको पता होना चाहिए कि आपके डेटाबेस का क्या नाम है, आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा टेबल है जिसमें से आप टेबल डेटा को डिलीट करना चाहते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि उस टेबल का क्या स्ट्रक्चर है, तभी आप जान पाएंगे कि आप किस तरह के डेटा को क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। तो अगर मैं अपने MySQL की बात करूं, चलिए मैं अपना पहले MySQL ओपन करता हूं, ठीक है, पासवर्ड मैंने दिया अपना
और मैंने एंटर किया, ये कनेक्ट हो गया, तो मुझे पता है कि मेरे डेटाबेस का नाम जो है वो आनंद है, तो मैं कहूंगा यहाँ शो डेटाबेसेस, सॉरी या ये रहा यहाँ पे, ओके सो मैं क्या कहूँगा, शो डेटाबेसेस DATABASES, ठीक है, और मैं करूँगा एंटर। देखिए आनंद नाम का डेटाबेस है, अब मैं इसके अंदर जाऊँगा तो मैं कहूँगा क्या, यूज आनंद, ठीक है। अब डेटाबेस का नाम क्या हो गया, चेंज हो गया। अब यहाँ पे मैं कहूँगा शो टेबल्स TABLES, तो सारे के सारे टेबल्स दिख जाएंगे EMP। अब मैं यहाँ क्या कहूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, इससे क्या हुआ, इससे मैं सारा का सारा जान जाऊँगा डेटा के बारे में। अब मान लीजिए मुझे 104 का डेटा क्या करना है, डिलीट करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये पता कर लिया कि मेरे डेटाबेस का नाम क्या है, तो मेरे डेटाबेस का नाम आनंद है, ठीक है। मैंने ये पता कर लिया कि मेरे टेबल का नाम क्या है, तो मेरे टेबल का नाम EMP है, और मेरे टेबल के स्ट्रक्चर में जो है वो क्या है, हमारा सबसे पहला एक जो फील्ड है वो है कोड, जो कोड जो है वो क्या है, हमारा प्राइमरी की है, यानी इसके बेस पे हम डेटा को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, ये हम जान गए। अब इसी चीज को हमें एक क्वेरी में लिख देना है, हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे इम्पोर्ट MySQL कनेक्टर एज सी, ये फर्स्ट लाइन होता है, ठीक है। सेकंड क्या होता है, सी डॉट कनेक्ट, यानी कि हम कनेक्ट कर रहे हैं। होस्ट होता है हमारा लोकल होस्ट, यूजर होता है रूट, पासवर्ड आपका वो पासवर्ड होता है जो MySQL का पासवर्ड होता है, और डेटाबेस मतलब डेटाबेस का नाम, तो देखिए डेटाबेस का नाम अभी हमने आइडेंटिफाई किया था, आनंद नाम का डेटाबेस है, राइट। सो नाउ अब हम क्या करते हैं, हम एक कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्वेश्चन, कर्सर का ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, तो कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाने का रीजन ये है कि बिना कर्सर के ऑब्जेक्ट के आप किसी भी SQL के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमें कर्सर का जो है वो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो उसके लिए हम करते हैं कॉन डॉट कर्सर, यानी कॉन क्या है, हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट है, और ये हो गया कॉन डॉट कर्सर, से हमारा एक ऑब्जेक्ट बना, इसका नाम क्या हो गया, कर्सर हो गया, राइट। अब हम अपनी क्वेरी लिखेंगे जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम EMP, यानी कि देखिए टेबल का नाम हमारा क्या है, EMP, तो हमें पता था, तो हमने यहाँ लिख दिया डिलीट फ्रॉम EMP, वेयर कोड इक्वल टू 104, सपोज कीजिए कि हम 104 वाले कोड को क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप ये वेयर कंडीशन को हटा दें तो क्या करेगा, अगर आप लिखते हैं डिलीट फ्रॉम EMP सिर्फ इतना ही लिख दें तो क्या होगा, सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, वो भी आप करके देख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अगर ये कोड मुझे रन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन डॉट एग्जीक्यूट, और क्या करना पड़ेगा, क्वेरी, यहाँ कॉन नहीं होगा, यहाँ होगा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, इट इज व्हाट, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, राइट। कर्सर के जरिए ही हम एग्जीक्यूट करते हैं, ना कि कॉन के जरिए, तो ये होगा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और क्वेरी, और जैसे ही आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे 104 का डेटा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और आपको दे देगा क्या, डिलीट करने के बाद कुछ देगा, रिटर्न कुछ करेगा नहीं है, बस उसके बाद आप क्या करेंगे, कॉन डॉट कमिट, इससे क्या होता है कि जो भी आपने क्वेरी रन की थी वो जो भी चेंजेस कर रहा है, चाहे वो डिलीशन का, चाहे वो इंसर्शन का, चाहे वो अपडेशन का, उसको आप कहते हैं परमानेंटली डेटाबेस में डाल दो, यानी कि डिलीशन परमानेंट हो जाएगा और एक मैसेज दे देगा, अपडेशन सक्सेसफुल, नहीं, यहाँ क्या मैसेज आएगा, डिलीशन सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये है आपको एक कोड जो डेटा को क्या करता है, डिलीट करता है, और अगर हम इसे प्रैक्टिकली करना चाहते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, हम अपना आइडियली ओपन करेंगे, ये हो गया मेरा आइडियली ओपन, मैं फाइल मेन्यू में जाता हूँ, ओपन करता हूँ, और ऑलरेडी मैंने इसका प्रोग्राम टाइप करके रखा हुआ है जो है डिलीटिंग डेटा नाम से, राइट। ये है हमारा डिलीटिंग डेटा का कोड, क्या है, देखिए सेम कोड है, इम्पोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर एस सी, आप सी डॉट कनेक्ट कर रहे हैं, लोकल होस्ट है आपका, रूट है, यूजर 123456, आपके MySQL का पासवर्ड, और यहाँ पे मुझे लाइव क्लास के बदले क्या डालना होगा, आनंद नाम का डेटाबेस है, तो आनंद नाम का डेटाबेस डालना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, कर्सर इक्वल टू कॉन डॉट कर्सर, इसका मतलब क्या हुआ, हम एक कर्सर का एग्जीक्यूट सॉरी कर्सर का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और हमारी क्वेरी क्या है, क्वेरी है डिलीट फ्रॉम EMP वेयर कोड इक्वल टू 103, तो ये क्वेरी चली जाएगी क्वेरी नाम के वेरिएबल में, और हम कर्सर के जरिए क्या कर दे रहे हैं, एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं, तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और क्या, क्वेरी को, और कॉन डॉट कमिट कर दे रहे हैं ताकि डेटाबेस में हमारा चेंजेस परमानेंट हो जाए, और मैसेज क्या दे रहे हैं, डिलीशन सक्सेसफुल। सेव करते हैं कोड को, रन मेन्यू में जाते हैं, और अभी रन मेन्यू में जाने से पहले अगर हम एक बार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय कर ले, चलिए ऑलरेडी कर चुके हैं, देखिए 104 का डेटा हमें दिखा रहा है। अब जैसे ही ये कोड रन कर जाएगा एक बार रन मॉड्यूल में जाके, बस आपको एक मैसेज देगा डिलीशन सक्सेसफुल, और अब जब अपने MySQL पे आके आप क्या करेंगे, आप करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो देखिए अब क्या हुआ, 101 102 104, हमने किसको डिलीट कर दिया, हमने डेटाबेस में क्या डाला है, 104 को डिलीट करने, 103 को, यहाँ 103 डाला है, तो जाहिर सी बात है किसका डेटा डिलीट होगा, 103 का, तो यहाँ देखिए 101 है, 102 है, 103 क्या हो गया, गायब हो गया,
104 रह गया, मतलब डिलीट हो गया 103 का डेटा। तो ये है डिलीशन ऑपरेशन। अब आता है क्वेश्चन कि यहाँ पे अगर मैं यूजर से पूछना चाहूँ तो पूछ सकता हूँ क्या? बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप यहाँ पे डालिए कोड इक्वल टू इंट एंड देन व्हाट इनपुट एंटर कोड टू एंटर एम्प्लॉय कोड टू डिलीट, यानी कि एम्प्लॉय कोड दीजिए जिसको आप क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, कोड टू DELETE। अब जो भी वैल्यू यूजर देगा वो कोड में चला गया। अब आपको अपनी क्वेरी चेंज करनी पड़ेगी, डिलीट फ्रॉम ईएमपी वेयर कोड इक्वल टू, यहाँ पे आप दे देंगे क्या, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे डबल कोट्स बंद, डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे जो वैल्यू जाएगी वो किसकी जाएगी, कोड की वैल्यू जाएगी। ठीक है, डॉट फॉर्मेट क्या करता है, तो वैल्यू प्रोवाइड करता है किसको, जो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होता है उसको, और पहली वैल्यू चूंकि एक ही वैल्यू है तो फर्स्ट वैल्यू ही किसके पास चली जाएगी, यानी कोड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और जो कोड यूजर ने दिया होगा वो डिलीट हो जाएगा। चलिए सेव करते हैं, रन मेन्यू में जाते हैं और रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, देखिए आपसे पूछा है इंटर एम्प्लॉय कोड टू डिलीट, मान लीजिए मैं इस बार देता हूँ 104 और करता हूँ एंटर, क्या मैसेज दिया, डिलीशन सक्सेसफुल। अब चलते हैं अपने MySQL में और करते हैं सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय। देखिए 104 अभी तक था, अभी मैंने कहा 104 को डिलीट कीजिए तो डिलीट कर दिया। आपके अब टेबल में दो रिकॉर्ड बचा 101 और 102, मतलब यूजर से पूछ के जो हमने डिलीशन किया वो कोड भी सक्सेसफुल हो गया। अब एक देखिए चीज, मैं रन मेन्यू में जाता हूँ और रन मॉड्यूल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय कोड में मैं देता हूँ 110, मैसेज क्या मिला, डिलीशन सक्सेसफुल। अभी भी मैसेज मिला आपको डिलीशन सक्सेसफुल, जबकि आपके इस टेबल में 1110 तो है ही नहीं, 110 कोई किसी का भी एम्प्लॉय कोड है ही नहीं, तो भी आपको ये मैसेज मिलकर डिलीशन सक्सेसफुल, यानी कि आपका कोड में अभी भी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि एग्जैक्टली आपका एग्जीक्यूशन हुआ या नहीं हुआ। तो उसके लिए एक मेथड होता है, जो भी हमारा एग्जीक्यूशन है वो किसके जरिए हो रहा है, कर्सर के जरिए हो रहा है। तो हम यहाँ कहेंगे क्या, कर्सर डॉट रो काउंट, ठीक है, इज ग्रेटर देन जीरो। अगर रो काउंट जीरो से बड़ा है, मतलब कर्सर में जो भी हमने एग्जीक्यूट किया है इस क्वेरी को, उस क्वेरी से क्या रोज पे इफेक्ट पड़ा है, तो अगर ये देता है कि कितने रोज हैं उसमें, यानी कि डिलीट हुए हैं तो एक रो भी डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है, तो अगर वो जीरो से बड़ा है तो जीरो से बड़ा मतलब यस कुछ तो डिलीट हुआ है, तो हम क्या मैसेज दे देंगे, तब हम मैसेज देंगे डिलीशन सक्सेसफुल, और अदरवाइज हम एल्स में क्या मैसेज देंगे, प्रिंट क्या, एम्प्लॉय रिकॉर्ड नॉट फाउंड, एम्प्लॉय कोड नॉट फाउंड, राइट, यानी कि एम्प्लॉय कोड मिला ही नहीं। ओके, नाउ इसको सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। चलिए मैं कहता हूँ 1110 को डिलीट करो, क्या मैसेज दे दिया, एम्प्लॉय कोड नॉट फाउंड। और अगर कोई एम्प्लॉय कोड है तो वो करेगा, तो हाँ अभी तो कर ही रहा था तो अभी क्यों नहीं करेगा। चलिए फिर भी 102 को करते हैं एंटर, देखिए डिलीशन सक्सेसफुल। और अब जब अपने MySQL पे आएंगे और करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो 102 भी डिलीट हो गया। अब आपके डेटाबेस में सिर्फ एक डेटा बचा हुआ है, वो है क्या, 101 एम्प्लॉय कोड का। तो ये आपका जो प्रोग्राम है वो किसी भी दिए गए एम्प्लॉय कोड को क्या करता है, अपने टेबल में से डिलीट कर देता है। सो वन बाय वन हमने ये देख लिया कि कैसे हम पाइथन MySQL की कनेक्टिविटी करते हैं, फिर हमने ये देख लिया कि कैसे हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं और डिलीट करते हैं, और लास्ट जो पाइथन की कनेक्टिविटी से रिलेटेड टॉपिक बचता है वो टॉपिक ये है कि कैसे हम डेटाबेस में से, यानी कि अपने MySQL के टेबल में से डेटा को, यानी कि रोज को, यानी कि रिकॉर्ड्स को वन बाय वन या जैसे जब रिक्वायरमेंट हो कैसे हम उस टेबल में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब कैसे हम डेटा को निकालेंगे ताकि हम जिस तरह के डेटा को चाहते हैं उस तरह के डेटा को निकाल सके फ्रॉम द MySQL टेबल। तो टेबल में से अगर जहां तक बात है डेटा को एक्सट्रैक्ट करने की, तो डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पाइथन ने हमें तीन फंक्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहला फंक्शन है फेच वन, दूसरा फंक्शन है फेच मेनी, और तीसरा है फेच ऑल। तो देखिए बिल्कुल नाम से ही क्लियर है, फेच वन मतलब ये क्या करेगा, डेटाबेस में से आपके टेबल में से सिर्फ एक रिकॉर्ड को निकालेगा। दूसरा फेच मेनी, यानी कि फेच मेनी के यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आप जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को बोलेंगे उतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को निकालेगा। और अगर फेच मेनी लिख के अगर आप इसके अंदर ब्रैकेट नहीं देते, मतलब आपने लिख दिया फेच मेनी लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर आपने कुछ नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट ये भी क्या करेगा, वन रिकॉर्ड को ही क्या करेगा, निकालेगा। ठीक है, और अगर आपने 5 दिया तो 5 निकालेगा, 10 दिया तो 10 निकालेगा। लेकिन मान लीजिए आपके पास रिकॉर्ड टोटल आपके टेबल में 5 ही थे और आपने कह दिया फेच मेनी 10, तो ये क्या करेगा, 5 को ही निकाल के छोड़ देगा। क्यों, क्योंकि आपके टेबल में टोटल 5 ही है, कोई एरर ये नहीं देगा। और लास्ट और थर्ड जो हमारे पास फंक्शन है वो है फेच ऑल।
फेच ऑल क्या करता है, तो फेचेस ऑल द डेटा फ्रॉम द टेबल, यानी कि ये आपके टेबल में से सारे के सारे डेटा को क्या करता है, फेच करके दिखा देता है। तो इन तीनों का यूज अकॉर्डिंगली आपको जहां जैसा लगे वैसा वहां पे यूज आप कर सकते हैं। अब हमें इसको प्रोग्रामेटिकली करके देखना होगा ताकि हमें इसका फंक्शन समझ में आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना आईडीएली ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आईडीएली ओपन करता हूँ, ठीक है, ये हमारा आईडीएली ओपन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, फाइल मेन्यू में जाऊँगा, ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम्स को टाइप करके रखा हुआ है ताकि प्रोग्राम को टाइप करने में जो समय जाए वो बेकार ना हो। और सबसे पहला है, मान लीजिए डेटा फेच में नहीं है, फेच ऑल है और फेच वन है, ये देखिए ये सबसे ऊपर फेच वन है। ये क्या करता है, फेच वन मतलब एक बार में एक डेटा को फेच करेगा, बिल्कुल वही अगर आप कमांड देखें तो बिल्कुल सेम कमांड मिल रहा है शुरू से। सबसे पहला इंपोर्ट MySQL कनेक्टर एच सी, फिर आप सी डॉट कनेक्ट करते हैं लोकल होस्ट से, रूट से, पासवर्ड से, और यहाँ डेटाबेस में जो भी आपको वैल्यू देनी है वो आप वैल्यू यहाँ क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो डेटाबेस का नाम आपका क्या है, तो मान लीजिए मेरा डेटाबेस का नाम जो है वो स्कूल ही है, तो मैं स्कूल ही रहने दूंगा। अब इस स्कूल डेटाबेस के अंदर जो है वो EMP नाम का जो है वो टेबल होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं या नहीं है। तो मैं अगर MySQL के अंदर जाता हूँ, ठीक है, अपना पासवर्ड देता हूँ और एंटर करता हूँ, और फिर यहाँ पे करता हूँ क्या, यूज स्कूल। तो अगर स्कूल नाम से डेटाबेस होगा तो वो यूज हो जाएगा, बिल्कुल ओपन हो गया। अब मैं यहाँ कहता हूँ शो टेबल्स, यानी कि टेबल्स को शो कीजिए, तो EMP नाम का टेबल भी है इसके अंदर। अब मैं यहाँ करता हूँ क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो हमें ये देखना है कि वैल्यूज है कि नहीं इसमें। हाँ, इसमें इतने सारे जो है वो वैल्यूज मौजूद हैं। तो अब मुझे देखना है क्या कि क्या ये जो हमने कमांड लिखा है वो हमारे इस टेबल में से, कौन से टेबल में से, EMP नाम के टेबल में से डेटा को फेच कर पाता है या नहीं कर पाता है, ठीक है। तो देखिए ऑब्वियसली बात है, किसी भी तरह के क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास कर्सर होना चाहिए। तो हमने कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाया con.cursor और उसका नाम ही हमने दे दिया क्या, कर्सर दे दिया। अब हम क्या करते हैं, cursor.execute एग्जीक्यूट करते हैं क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ये है मेरा SQL का क्वेरी, और इस SQL की क्वेरी को मैं डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो इसको क्वेरी में भी डाल सकते थे, मतलब यही चीज सेम ऐसा लिख सकते थे, query इक्वल टू यहाँ पे क्वेरी डाल दीजिए, क्या डाल दीजिएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, राइट, और उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ क्या डाल दीजिएगा, क्वेरी को डाल दीजिएगा। तो बात दोनों एक ही है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो एग्जीक्यूट होने के बाद इस कर्सर में सारा का सारा डेटा आ जाएगा, ठीक है, पूरे एम्प्लॉई में जितना भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा जो है वो इस कर्सर में आ जाएगा। लेकिन इस कर्सर से मुझे सिर्फ एक डेटा अगर निकालना है तो मैं कहूंगा फेच वन, मतलब कर्सर डॉट फेच वन, मतलब हुआ कि कर्सर में चूंकि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई करने के बाद सारे के सारे डेटा आ चुके हैं, तो मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक डेटा चाहिए। तो ये क्या करेगा, कर्सर डॉट फेच वन करेगा, एक डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, पहले वाले डेटा को, फर्स्ट डेटा एक्सट्रैक्ट होगा, अब वो डेटा नाम के वेरिएबल में चला जाएगा और क्या हो जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। चलिए सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। रन मेन्यू में गए, रन मॉड्यूल पे क्लिक किया, देखिए सबसे पहला जो डेटा निकला 101 संदेश मैनेजर और 50,000। चलिए देखते हैं क्या यही डेटा था हमारा सबसे पहला, जी हाँ बिल्कुल यही था, 101 संदेश मैनेजर और 50,000, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल प्रॉपरली हमारा कोड काम कर रहा है, यानी फेच वन से क्या होता है, फेच वन से एक डेटा कर्सर में से निकाला जाता है। अब इसमें एक चीज और भी है, अगर मैं चाहूँ तो एक चीज और प्रिंट कर सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने निकल के आए हैं। तो आप लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल टू, अब यहाँ क्या करेंगे, कर्सर cursor डॉट रो काउंट। रो काउंट क्या करता है, आपको टोटल नंबर ऑफ रोज को दे देता है। याद रखिएगा, रो काउंट का अपना कोई ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट नहीं होता है, ठीक है। अब रन करते हैं, देखिए क्या हुआ, फिर से जब प्रोग्राम रन किया तो एक रो निकाला ना, इसलिए इसने टोटल नंबर ऑफ रोज क्या दे दिया, वन दे दिया। अब आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, वो क्या करेगा, हाँ यहाँ पे ये करेगा, डेटा इक्वल टू cursor डॉट fetch फेच वन, और यहाँ कर देगा प्रिंट डेटा। देखिए हुआ क्या, हमने पहला डेटा निकाला, राइट, उसको प्रिंट कर दिया, दूसरा डेटा निकाला और उसको प्रिंट कर दिया। अब जब हम टोटल नंबर ऑफ रोज काउंट करेंगे कर्सर में तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, वन दिखाएगा या टू दिखाएगा, ये सवाल पूछा हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में, पूछा हुआ नहीं भी है अगर तो आपके सैंपल पेपर में जरूर पूछा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है, बस इसको आप सेव कर लीजिए, रन मेन्यू में जाइए और किस पे क्लिक कीजिए, रन मॉड्यूल पर जाइए। अब आपको ये जवाब जो देगा, देखिए
क्योंकि फर्स्ट टाइम ने में इसने फर्स्ट वैल्यू निकाला, सेकेंड टाइम ने इसने सेकेंड वैल्यू निकाला, तो कर्सर ने टोटल कितने वैल्यूज आपको रिटर्न कर दिए, दो वैल्यूज रिटर्न कर दिए, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ रोज जो दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, टू दिखाएगा। यानी जितनी बार आप फेच वन चलाइएगा सेम प्रोग्राम में, अगली बार फिर से बार फेच वन चलाइए तो अगली बार कितना आएगा, तीन आएगा। तो ये है आपको फेच वन कमांड का काम। अब अगर हम बात करें कि फेच वन कमांड तो हमारा हो गया, दूसरा जो हमारा कमांड होता है वो होता है फेच मेनी। तो फेच मेनी नाम से ही क्लियर है, बहुत सारा अगर आपको निकालना है डेटा तो वही सेम इम्पोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर एस सी, होस्ट लोकल होस्ट, यूजर रूट, पासवर्ड, जो भी आपका पासवर्ड है, डेटाबेस, जो भी आपका डेटाबेस है, आपने क्या किया है कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाया और आपने लिखा कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। तो इससे क्या हुआ, सारे के सारे जो है डेटा जो है वो निकल के आ गए किसने, आपके कर्सर में, क्योंकि कर्सर के जरिए आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो कर्सर में सारा डेटा निकल के आ गया। और आप करते हैं कर्सर डॉट फेच मेनी 10, तो 10 तो है ही नहीं अगर हम अपने देखें डेटा को, तो 5 है। तो चलिए एक बार हम काम करते हैं यहाँ फेच मेनी करके, हम 3 देते हैं, देखते हैं 3 निकलता है नहीं निकलता है। तो यहाँ तक हमने फेच मेनी किया, 3 किया तो 3 निकल जाएगा, और 3 कहाँ चला जाएगा, डेटा में चला जाएगा। और एक एक करके फॉर आई इन डेटा इन ऑपरेटर का यूज करके हम क्या कर ले रहे हैं, डेटा को प्रिंट कर दे रहे हैं, तो 1 by 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो डेटा हमें रिटर्न करता है, चाहे वो फेच वन करता हो या फेच मेनी करता हो, चाहे वो फेच ऑल करता हो, वो सारे के सारे डेटा जो हमें रिटर्न करते हैं वो रिटर्न करते हैं ट्यूपल फॉर्मेट में, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो फॉर आई इन डेटा जब हम कर देंगे और डेटा को वन बाय वन प्रिंट कर देंगे, और यहाँ पे जब हम देंगे टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल टू कर्सर डॉट रो काउंट, तो ऑब्वियसली बात जब 3 रिकॉर्ड आप निकाल रहे हैं तो रो काउंट क्या देगा, 3 देगा। चलिए सेव करके देखते हैं और रन करके देखते हैं। यहाँ देखिए 3 रिकॉर्ड निकाल के दिया, 101, 102 और 103 का रिकॉर्ड, और टोटल नंबर ऑफ रोज जो है वो क्या दिया इसने, 3 दिया, ठीक है। अब अगर मैं टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड को 10 भी कर दूं यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था, फाइल मेनू जाके सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो भी ये क्या निकालेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को निकाल देगा। तो आप में 5 ही है तो 5 ही निकाल दिया, भले आपने 10 दिया था तो भी कितना निकाला, जितना आपके पास डेटा था आपके टेबल में उतना इसने क्या कर दिया, निकाल दिया। तो ये होता है हमारा कौन सा कोड, फेच मेनी, जो जितने नंबर ऑफ रोज को आप कहेंगे उतने नंबर ऑफ रोज को ये निकाल के देगा, और अगर आपने ज्यादा कह दिया है तो जितना मैक्सिमम होगा उतना निकाल के आपको दे देगा। अब इसके बाद एक लास्ट फंक्शन बचता है हमारा, वो फंक्शन कौन सा होता है, दैट इज फेच ऑल। फेच ऑल क्या करता है, सारे के सारे डेटा को फेच कर लेता है। तो बिल्कुल वही चीज इम्पोर्ट माई एसक्यूएल कनेक्टर एस सी, आपने लोकल होस्ट रूट 1 2 3 5 4 1 2 3 4 5 6 और स्कूल जो है स्कूल नाम के डेटाबेस को कनेक्ट किया, आपने कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाया, आपने सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय को एग्जीक्यूट किया, और आप करते हैं कर्सर से सारा रिकॉर्ड फेच कर लो और रिकॉर्ड में डाल लो, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसको एक एक करके प्रिंट करते रहे फॉर आई इन रिकॉर्ड और प्रिंट आई, और टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड क्या कर दे रहा है, ये काउंट करके दिखा दे रहा है, ठीक है। रन मेन्यू में जाते हैं, रन मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं, ऑब्वियसली बात है सारा का सारा दिखा देगा, क्यों देखिए, और ये ट्यूपल फॉर्मेट में, ये ब्रैकेट ओपन और ये ब्रैकेट क्लोज क्या बताता है, इसका फॉर्मेट क्या है, ट्यूपल का है। तो मतलब ये जो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का रिकॉर्ड है, सारा रिकॉर्ड है हमारा, फिर चॉल ने क्या किया, सारा रिकॉर्ड निकाल लिया। तो देखिए हमारे माई एसक्यूएल में भी जो है वो टोटल 5 रिकॉर्ड्स ही मौजूद हैं, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स क्या दे दिया इसने, 5 दे दिया। तो ये है आपको तीनों फंक्शन का यूज, 1 by 1 की फेच वन क्या होता है, फेच मेनी क्या होता है, और फेच ऑल क्या होता है। सो इसी के साथ हमने पाइथन MySQL कनेक्टिविटी से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें थी, चाहे वो कनेक्शन करना हो, चाहे वो इंसर्ट अपडेट डिलीट करना हो, या डेटा को सेलेक्ट यानी कि एक्सट्रैक्ट करना हो, सारी की सारी चीज़ें हमने कम्प्लीटली परफॉर्म कर ली इस एक ही वीडियो में। तो आई होप आपको ये सारा कुछ जो एक वन शॉट वीडियो है वो पसंद आया होगा, और प्लीज़ अगर आपको आया है तो बिना लाइक और सब्सक्राइब किए हुए यहाँ से नहीं जाइए, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँ।